सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। 2019 में मारुति लॉन्च कर रही है Y1। मारुति Y1 लॉन्च डेट 2019। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता मारुति सुजुकी एक और नई कार पर काम कर रहा है, Y1। क्या यह अधिक प्रीमियम अल्टो या कुछ और होगा? हाँ और ना, कार मारुति अल्टो के ऊपर फिसल जा रही है, इसलिए हाँ यह अधिक प्रीमियम और थोड़ी अधिक फीचर लोड हो जाएगी। कार वैगन आर के नीचे बैठेगी, जो इसे एंट्री लेवल खरीदार के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। लेकिन क्या यह नया जेन होगा? जेन स्टीलो फ्लॉप्ड होने के बाद से मारुति द्वारा उस मार्की का उपयोग नहीं किया गया था और बंद कर दिया गया था। कार को नया रिट जी स्टार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे भी असफल नाम थे। लाइनों और नाम में कारों के अलावा हम जानते हैं कि यह रेनॉल्ट क्विड पर होगा। इसकी एसयूवी के साथ क्विड फीचर्स, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, टच स्क्रीन और एएमटी गियरबॉक्स एक सुंदर सभ्य पैकेज के लिए तैयार है। मारुति Y1 के अवधारणा ने हमें दिखाया है कि आने वाली कार में एसयूवी की तरह फीचर्स होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि क्विड को इसके क्रॉस हेयर में उत्पादन में डाल दिया जाए। मारुति Y1 के लॉन्च, यह कार 2020 में लॉन्च होने वाली है। मारुति भी अल्टो को ओवरहाल करने जा रही है। नया जनरल अल्टो 2021 तक आने वाला है। मारुति Y1 के साथ ऐसे कई मॉडल हैं जिन्हें पूर्ण बदलाव देने की योजना है। मारुति Y1 के प्रारंभिक 2020 मारुति Y1 के मूल्य कारों की कीमत भविष्यवाणी करने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन रेनॉल्ट क्विड और डैटसन रेडिगो के साथ यह मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के रूप में कार प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करेगी। अगर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कारों की कीमत 3.5 लाख रुपए शुरू होनी चाहिए और 5 लाख रुपए तक की जानी चाहिए। हमें कमेंट करके बताएं आपको यह कार कैसी लगो और क्या आप यह कार खरीदेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक की हमारे चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।